हैदराबाद के गुंजान आबाद इलाका 9 के पेड़ UC-47 में बनी कचरा कुंडी आवाम के लिए अजाब बन गई। स्कूल के बच्चे बीमारियों में मुब्तला। UC चेयरमैन मोहम्मद इस्माइल को बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद सफाई की नाकिस सूरत हाल ने मकीनों का जीना मुहाल कर दिया। स्ट्रीट लाइट्स न होने के बायस अंधेरों का राज। बात यह है कि यहाँ पहले कोई कचरा डिपो नहीं था। कुछ अरसे पहले जब अपना पहले कौन था नाजिम हमारे सुल्तान साहब, उन्होंने यहाँ पर जो है ना कचरा डिपो बनवा दिया अहले महल्ला को परेशान करने के लिए। अब यहाँ का इतना बुरा हाल है कि पूरे महल्ले का आप देख सकते हो किस तरीके से हम लोग रह रहे हैं। यहाँ पर अगर किसी को हम लोग कचरा डालने के लिए मना करते हैं तो अमूमन लोग जो है जी मैं फलां जिम्मेदार हूँ, मैं चेयरमैन हूँ, मैं कौंसलर हूँ, यहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं कचरा डलवाने के लिए। जब उठवाने का नंबर आता है तो इल्ला माशाल्लाह सारे गायब होते हैं। अगर उनके चक्कर काटते हैं तो हम रोजी रोटी से जाते हैं या फिर आपस में हम कंट्रीब्यूट करते फिर हैं। तो भाई रोज़ की रूटीन है यहाँ पर जीना दूभर कर दिया है। लग ही नहीं रहा कि हम हैदराबाद में या शहर में छोटी की टिप है। ऐसा लगता है कि शायद किसी गांव गोट के अंदर बैठे हुए हैं जहाँ पे कोई परेशान हाल ही नहीं है। यहाँ पे यही मसला है, यहाँ पे चलने फिरने में इतनी प्रॉब्लम होती है। घरों में से जो है हमारी लेडीज़ नहीं निकल सकती क्योंकि यहाँ इतनी बदबू होती है जिसकी कोई इंतहा नहीं। ये हमारे घर हैं, यहाँ पर भी जो है फ्लैट्स के अंदर जो है वो बैठ नहीं सकते हैं, हम किसी को ला के बिठा नहीं सकते। यहाँ ऐसी पोजिशन हो गई है जिसकी कोई इंतहा नहीं। बराए मेहरबानी कुछ ऐसा करें कि जो है ये ख़त्म हो और हम यहाँ सुकून का सांस ले सकें। शहरी इलाकों में बनी कचरा कूड़ियाँ जहाँ आवाम के लिए अजियत का बायस हैं, वहीं वोट की भीख मांगने वालों के लिए खुला चैलेंज भी। कैमरामैन अब्दुल राफे सोहेल के साथ अली अहमद शेख, सिटी न्यूज़, हैदराबाद।